आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 सरफेस केमिस्ट्री, जिसमें हम पहला डेफिनेशन देखने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री का। तो चलिए हम लोग देखते हैं फिजिकल केमिस्ट्री का डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले ये जानिए कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 सॉरी चैप्टर 1 नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर जिसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री क्लास 12 का। तो फिजिकल केमिस्ट्री का डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डीपली स्टडी अबाउट एप्लीकेशन कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी ऑफ फिजिक्स। इसका मतलब है कि केमिस्ट्री में फिजिक्स के एप्लीकेशन कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी, जिसको हम केमिस्ट्री में यूज करेंगे केमिकल बॉन्डिंग के बारे में जानने के लिए, उसी को हम लोग कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। बस समझ में आया? यस सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर जिसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में सबसे पहले यही जानते हैं कि सरफेस केमिस्ट्री होता क्या है। तो सरफेस केमिस्ट्री के डेफिनेशन को देखते हैं। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। ये जो सरफेस केमिस्ट्री है या फिजिकल केमिस्ट्री का एक भाग है जिसमें इन विच वी स्टडी अबाउट द फेनोमेन ऑफ सरफेस, जिसमें हम लोग सतह पर होने वाले घटनों के बारे में जानते हैं, इज नोन एज फिजिकल केमिस्ट्री। इसे फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन विच वी डीपली स्टडी अबाउट द फेनोमेन ऑफ सरफेस इज नोन एज फिजिकल केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री के सतह पर होने वाले घटना के बारे में पूरी अच्छी तरीके से अध्ययन करते हैं, जिसे सरफेस केमिस्ट्री कहते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री क्लास 12 का, जिसमें हम सबसे पहला डेफिनेशन देखने वाले हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है एडजॉर्प्शन। वही इसके बारे में देखते हैं। द अट्रैक्शन और अक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीसीज टू द सरफेस ऑफ सॉलिड बॉडी इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। इसका मतलब है कि द अट्रैक्शन ऑफ अक्यूमुलेशन, यानी कि मॉलिक्यूलर स्पीसीज का आकर्षण जो भी किसी सरफेस के ऊपर में, जैसे हम किसी दीवार पे पेंट करते हैं तो वह वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से चिपकता है, ठीक उसी तरह से उसी पेंट को हम लोग मॉलिक्यूलर स्पीसीज के नाम से यहाँ से जान रहे हैं। तो जब वह पेंट या फिर वो मॉलिक्यूलर स्पीसीज किसी सतह के ऊपरी भाग पे उसको पेंट करते हैं, उस पेंट को हम लोग एडजॉर्बेंट बोलते हैं, और जिस सतह के ऊपर पेंट कर रहे हैं उसको हम लोग एडजॉर्बेंट बोलते हैं। वही है कि जब भी किसी पेंट को हम किसी सतह के ऊपर पेंट करेंगे तो एरिया को एडजॉर्प्शन कहते हैं। बस इसमें ध्यान इतना रखना है कि यही होना चाहिए कि वो जो पेंट होगा वह सतह के ऊपरी भाग पर होगा, यानी कि एडजॉर्बेंट के ऊपर एडजॉर्बेंट होगा, यानी कि द मॉलिक्यूल